हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरआर डिजिटल सूत्र। तो पहले वीडियो में हमने सीखा था कैसे टेक्स्ट टूल को यूज करना है एडोबी फोटोशॉप में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्रॉप टूल क्या है, क्रॉप टूल को कैसे यूज करता है फोटोशॉप में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाला कोई वीडियो ट्यूटोरियल आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। पहले एक पिक्चर आप इनपुट कर लीजिए, फाइल में जाके ओपन एक पिक्चर आप इनपुट कर लीजिए डाउनलोड से। जैसे कि मेरा जो पिक्चर है वो यहाँ पर मिलेगा, ये लैंडस्केप में ले लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, मेरा पिक्चर इंपोर्ट हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पे है क्रॉप टूल, तो क्रॉप टूल को यूज़ करना है। कैसे करना है, इसको क्लिक कर दीजिए और आपको जितना तक आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको इतना तक पिक्चर को चाहिए, इतना तक सिलेक्ट करके आप इंटरप्रेस कर दीजिए। देखिए आपका जितना रिक्वायरमेंट है वो पिक्चर आ गया। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, आप पिक्चर को नॉर्मली क्रॉप कर सकते हैं। तो इसका खास बात क्या है आपको दिखाता हूँ। इसको आप पहले जैसा कर दीजिए। देखिए क्रॉप के जो सेटिंग है वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आपका ओरिजिनल रेशियो, आपका 1:1 पासपोर्ट साइज पिक्चर के लिए, फॉन्ट इमेज के लिए, आपका बहुत सारा प्रीसेट्स यहाँ पे मौजूद है। तो जैसे कि आप फोटोग्राफी के लिए एक ले लीजिए, जैसे कि ये वाला आप ले लीजिए। देखिए ये फोटोग्राफी का पोर्ट्रेट पिक्चर है, ये ऑटोमेटिकली आ गया, इसको आप ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली एक प्रीसेट यहाँ पे सेट हो गया है। बाय डिफॉल्ट एक पोर्ट्रेट का फोटोग्राफी का जो साइज होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, इसको सिलेक्ट करके आप इंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए एक पोर्ट्रेट में पिक्चर आ गया, ये पिक्चर था लैंडस्केप, ये ऑटोमेटिकली पोर्ट्रेट हो गया। ठीक है, अभी इसका खास बात और क्या है, देखिए यहाँ पर है स्ट्रेटनिंग। स्ट्रेटनिंग बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए ये जो स्काई का जो चीज़ है, मतलब स्काई स्ट्रेट नहीं है, तो इसको लिए आपको ये हॉराइजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जैसे कि ऐसा एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ये पिक्चर को एकदम सीधा करके वो हमारे लिए सजेस्ट कर रहा है, ये पिक्चर ऐसा हो सकता है, ये थोड़ा रोटेशन था, ये एकदम स्ट्रेट हो गया अभी। इसके लिए आप कर सकते हैं और इसको एंटर कर दीजिए। देखिए ये पोर्ट्रेट में क्यों आया, क्योंकि मैं रेशियो पोर्ट्रेट में रखा, इसको हम नॉर्मल कर देंगे, विथ इनटू हाई रेजोल्यूशन यहाँ पे कर देंगे और अभी इसको स्ट्रेटनिंग में यूज करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसको एंटर कर दीजिए। देखिए ये पिक्चर स्ट्रेट हो गया, पहले ऐसा था अभी ये स्ट्रेट हो गया। ठीक है, आपको कोई और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि इसको कंट्रोल टी प्रेस करके इसको रोटेट कर लीजिए, इसको रोटेट करके अब थोड़ा बड़ा कर दीजिए। देखिए ये पिक्चर एकदम रोटेट हो गया। तो इसको स्ट्रेटनिंग करने के लिए आपको क्रॉप टूल ले लीजिए। ये एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ, ऐसा बहुत सारा पिक्चर मिलता है जो ऐसा टेढ़ा होता है, तो इसलिए आपको स्ट्रेटनिंग को यूज करके इसको स्ट्रेट करना है। क्रॉप में जाके सिलेक्ट कीजिए स्ट्रेटनिंग, अभी इसको हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। अभी देखिए ये स्ट्रेट हो गया, और भी स्ट्रेट चाहिए तो आपको अच्छे से लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, जैसे कि ऐसा। ठीक है, अभी देखिए ये पिक्चर स्ट्रेट हो गया। तो ऐसे करके आप कोई पिक्चर को स्ट्रेट कर सकते हैं ये स्ट्रेटनिंग टूल को यूज करके। स्ट्रेटनिंग कहाँ मिलता है, क्रॉप टूल के अंदर में जो सेटिंग होता है वो सेटिंग में आपको स्ट्रेटनिंग मिल जाता है, जिससे आप कोई पिक्चर को स्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये है क्रॉप टूल। आज के लिए बस इतना ही है। इस वीडियो से आपको वैल्यू मिले तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।